हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मुझे जाना है मायके से वापस अपने अपार्टमेंट। सो सबसे पहले नाश्ते के लिए किम्मी ने पनीर ग्रेट करा, उसमें मिर्ची डाली, बारीक कटा हुआ प्याज डाला, साथ ही इसमें डाला फ्रेश कटा हुआ धनिया, इसमें ऐड किया स्वाद अनुसार नमक, बहुत ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और बस इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया। आटा गूंथ के रखा था, इसकी लोई बना ली, थोड़ी बड़ी लोई ही ली, इसको अच्छे से बेल लिया ताकि हमारा जो फिलिंग है वो डालने में हमें थोड़ा इजी लगे। इसके बाद इसमें हम अपनी पनीर वाली फिलिंग डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि वो फट के बाहर ना निकले, बिल्कुल एप्ट डालना है। इसके बाद इसको हमने अच्छे से फिल कर लेना है अंदर और इसको अच्छे से ऊपर से पैक कर देंगे कि कहीं से भी हमारा जो लोई है वो खुला ना रहे। एक्स्ट्रा आटा निकालेंगे, बस इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। अब बस इसको आटे में डिप करेंगे परोथन में ताकि ये चिपके ना, और इसको हाथों से हल्का फ्लैट करके इसको बेलन से हल्के हाथ से हमने बेलना है, वरना वो पनीर फट के बाहर निकल जाएगा। बस किमी ने इसको बेला और फिर तवा गर्म किया, उस पर डाला पराठा, उस पर डाला ऑयल, इसको अच्छे से सेक लिया, बिल्कुल गर्म कर लिया। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। बस इसको निकाला एक प्लेट में और मुझे दिया ब्रेकफास्ट करने को। मैं बैठ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, साथ ही मैंने एक बनीना भी ले लिया जो कि मैं हर सुबह खाती हूँ। इसके ऊपर मैंने बटर भी लिया था बिकॉज ऑब्वियसली पराठा खा रहे हो तो बटर के बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। इसको डिप किया मैंने बटर में। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी किम्मी के पराठे से, बट वो बहुत टेस्टी बना था एंड नाश्ता करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तब तक शांतनु भी आने वाला था तो मैंने जल्दी से शॉवर ले लिया और फिर कपड़े वपड़े पहन के अपना स्किन केयर स्टार्ट किया, जिसके लिए सबसे पहले मैंने टोनर अपने फेस पे लगा के अपना फेस क्लीन करा ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो मेरी निकल जाए। इसके बाद फेस ड्राई हो गया तो मैंने फेस सीरम लगाया ताकि मेरा फेस स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए और बहुत ही हाइड्रेटेड हो जाए। इसके बाद लगाया लोशन मैंने और बस मेरा स्किन केयर इतने में हो गया कंप्लीट। इसके बाद बाकी चीज़ें करके मैं थी कंप्लीटली रेडी। तब तक मेरा हस्बैंड शांतनु भी आ गया था और उसने गाड़ी जल्दी से करी पार्क। शांतनु जब भी आता है किम्मी के लिए कोक एंड एवरीथिंग ज़रूर लाता है एज यूजुअल। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमने उसे दिया ठंडा ठंडा कोक पीने को। तब तक किम्मी ने हमारे लिए खाना भी लेके आ गई। वो यूजुअली हम डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं बट गर्मी बहुत थी तो हमने एसी में बैठ के ही खा लिया। खाना बहुत ही फ्रेश था और बहुत ही टेस्टी था। जब तक हम खाना खा रहे थे किम्मी ने हमारा टिफ़िन पैक करना स्टार्ट किया। उसके लिए उसने बनाया प्याज वाले भिंडी का भुजिया सबसे पहले। जब वो काम कर रही थी इधर हम अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। मायके में रहने की सबसे बड़ी बात अच्छी यही होती है कि आपको काम नहीं करना पड़ता और आप बहुत आराम से रहते हो वहाँ पे। इसके बाद भिंडी के बाद किमी ने बनाई सूखी आलू की सब्ज़ी जो वो बहुत टेस्टी बनाती है और मेरा तो ये फेवरेट है, मैं उससे हमेशा बनवाती हूँ। बस ये डन था। इसके बाद किमी ने बनाई हमारे लिए गरम गरम रोटी फुली फुली। बस उस पर लगाया घर का बना हुआ घी। घी लगाने से तो बहुत ही मज़ा आ जाता है रोटी खाने में। बस हमें इसके बाद एक डेढ़ घंटे का हमारा रास्ता था और हमें ये रात का खाना कि मैंने पैक करके दिया था तो रोटी ठंडी हो जाती, इसलिए हमने फॉइल पैक में अपनी रोटियों को अच्छे से पैक कर लिया ताकि ये फ्रेश रहे और इसका टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल एप्ट रहे। बस सब डन था तो एक टिफिन में हमने डाला भिंडी का भुजिया, दूसरे टिफिन में डाली सूखी आलू की सब्जी, इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश धनिया गार्निश किया ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आए। बस किम्मी ने सारा टिफिन हमारा किया पैक। इसको डाला एक पॉली बैग में ताकि हमारे कैरी करने के लिए इजी रहे। साथ ही किम्मी ने एक बॉटल लस्सी भी एक पैक हमें दे दिया था बिकॉज मुझे लस्सी बहुत पसंद है। एंड दैट्स इट, ये पॉली बैग था रेडी। उसने हमें दिया लंच जो कि बहुत ही टेस्टी था एंड थैंक यू किमी फॉर दैट। उसने बहुत मेहनत से हमारे लिए ये टिफिन बनाया था।
जब भी मैं घर से जाती हूँ पापा ढेर सारी सब्जियाँ दे देते हैं फ्रेश, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं वापस जाती हूँ मुजफ्फरपुर तो फ्रेश सब्जियाँ खाती हूँ, जो कि मेरा काफ़ी दिन तक चल जाता है। सो हमने वो सारी सब्जियाँ भी अपनी ले ली एंड वी वर रेडी टू गो। बस शांतनु ने फिर मेरा सूटकेस निकाला ताकि वो गाड़ी में उसको अच्छे से सेटल कर सके। गाड़ी में हमने अपना सामान अच्छे से किया सेटल गाड़ी की डिक्की में। उसके बाद मैंने किया अपना फेवरेट काम, थोड़ा सा फोटोशूट शांतनु के साथ अपने घर पे। और बस दैट्स इट। अब मैं जा रही हूँ घर से। बहुत बुरा लग रहा है किमी को छोड़ के जाने में, बट क्या करूँ, जाना भी बहुत ज़रूरी है। किमी को हमने बोला बाय एंड दैट्स इट। मैं निकल गई वापस अपने घर मुजफ्फरपुर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।